दोस्तों, पिछले 70 से 75 सालों में नीम, बरगद, पीपल के पेड़ों की संख्या कम होती चली गई। आप देखोगे दोस्तों, आजकल सरकारी आवासों पे या सरकारी स्तर पे यूजुअली आप देखोगे इक्विलेप्टस का पेड़ लगाना शुरू कर दिया गया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि धरती जलविहीन हो गई। क्या आपको पता है कि पीपल का पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 100% एब्जॉर्ब करता है, अर्थात उसको ग्रहण करता है CO2, जबकि बरगद 80% और नीम लगभग 70% के आसपास CO2 को एब्जॉर्ब करता है। अब हुआ यूं कि इनकी जगह पे या इनका स्थान इक्विलेप्टस जैसे खूबसूरत दिखने वाले पेड़ों ने ले लिया। अब उनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो हुआ यूं कि धरती हो गई जलविहीन। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी बढ़ गया, पॉल्यूशन तो वैसे ही बढ़ रहा है गाड़ियों के कारण और कई प्रदूषण के कारण। अब हर जगह आप क्या देखोगे, सजावटी पेड़, इक्विलेप्टस के पेड़, गुलमोहर के पेड़, बहुत सारे मनी प्लांट, तरह तरह की चीज़ें आ गई। अब जब वायुमंडल में कोई रिफ्रेशर रहेगा ही नहीं तो गर्मी तो बढ़ेगी, क्योंकि CO2 बढ़ रहा है, और CO2 बढ़ रहा है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो पेड़ थे उनकी संख्या भी कम होती चली गई। तब उपाय क्या है दोस्तों, अगर इस ग्लोबल वार्मिंग का उपाय चाहिए दोस्तों, तो लगभग हर 400 से 500 मीटर पे, या कम से कम मैं बोलूँगा 200 मीटर पे ही सही, इतनी दूरी पे एक पीपल का पेड़ लगाना आवश्यक है। आप देखिए, अगर हर 200 से 300 मीटर पे एक पीपल का पेड़ अगर लगाया जाए तो आप देखोगे कि कुछ दिनों में भारत प्रदूषण मुक्त हो सकता है। दोस्तों, वैसे भी पीपल के जो पत्ते होते हैं वे बड़े ही पतले होते हैं, उसके जो फलक और डंठल होते हैं बड़ी पतले होते हैं और शांत तरह से घूमते हैं, जिसके वजह से भी वो स्वच्छ ऑक्सीजन देते हैं दोस्तों। इसीलिए हम पीपल के वृक्ष को वृक्षों में राजा भी कहा जाता है। वैसे तो पीपल का आध्यात्मिक रहस्य भी है, लेकिन साइंटिफिक रीज़न अगर देखा जाए तो पीपल सबसे ज़्यादा मात्रा में CO2 को एब्जॉर्ब करता है, अर्थात CO2 जो एक ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग अर्थात धरती को तापमान को बढ़ाने में मुख्य कारगर है, उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता सबसे ज़्यादा पीपल के पेड़ में है। तो अगर हम हर 200 से 300 मीटर पे पीपल का पेड़ लगाए तो निश्चित तौर पे ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो जाएगा। ये फैसला सरकार ने भी लेना चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, हर व्यक्ति हर महीने कम से कम एक पीपल का पेड़ कहीं लगाए, आप देखो बदलाव अपने आप आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।